नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2017 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है प्रीवियस ईयर का जो पहला पेपर है वो है एडवांस अलजेब्रा, जिसका कोड होता है MA MSC MT 01। टाइमिंग आपका 3 आवर्स होता है और जो पेपर है वो 80 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट होता है। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। सेक्शन ए है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन और फॉर्मूला इस पर बेस होता है। सेक्शन है, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। दोस्तों, जो पहले का जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 9 पर है। पेज नंबर 9 पर ये पूछा गया है दिसंबर 2017 में, और जून सेशन की बात करें तो जून में पूछा गया है 2019, 2016 और 2015, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे है सेकंड। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 24 पर है। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में, जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे है थर्ड नंबर। दोस्तों, इसका आंसर है पेज नंबर 31 पर। ये पूछा गया दिसंबर 2017 और जून 2019, जून सेशन में 2019 और 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे है फोर्थ, इसका आंसर है आपकी जो रेफरेंस बुक में पेज नंबर 41 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में और जून 2016 में और 2015 में, ठीक है। आगे है फिफ्थ नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 61 पर। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में और जून सेशन में 2018 में और 2017 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे है सिक्स नंबर, इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 105 पर। ये पूछा गया है दिसंबर 2017 में और जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है। आगे है सेवन्थ नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 133 पर, ठीक है। ये पूछा गया दिसंबर 2019, 2018 और दिसंबर 2017 एग्जाम में, जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे है एट क्वेश्चन। दोस्तों, इसका आंसर है पेज नंबर 159 पर। ये पूछा गया है दिसंबर 2019, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2017 के एग्जाम में, और जून सेशन की बात करें तो जून सेशन में 2019, जून 2018 और जून 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आगे है सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सी एक प्रकार के हैं, दोनों के जो क्वेश्चन है कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन सी में भी आ जाते हैं और सेक्शन सी के क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आ जाते हैं। इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं। सेक्शन बी की बात करें, इसमें आपको 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का, इस प्रकार 32 नंबर का ये सेक्शन होता है। आइए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना है।
फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें पेज नंबर 3-3 पर है। ये पूछा गया है दिसंबर 2019 और दिसंबर 2017। जून सेशन की बात करें तो ये पूछा गया है 2019 और 2018। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे है फिफ्थ नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 113 पर। यह पूछा गया दिसंबर 2017 में, जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है। आगे है सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये आपको नहीं करना है। सेवन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 195 पर है। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में और जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे है एट नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 210 पर। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में और जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे जो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे है सेक्शन सी, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। इस प्रकार जो कंप्लीट जो सेक्शन है वो 32 नंबर का होता है। देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है पेज नंबर 49 पर। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 49 पर। ये पूछा गया है दिसंबर 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 में, और जून में पूछा गया 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 59 पर। ये पूछा गया है दिसंबर 2019 और 2017 में, और जून सेशन में बात करें तो जून सेशन में पूछा गया 2017 में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है 12 नंबर, इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 82 पर। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में, जून सेशन में अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे है लास्ट एंड फाइनल, इसका जो आंसर है वह है पेज नंबर 154 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया दिसंबर 2017 में और जून सेशन में 2016 में, ठीक है दोस्तों। अब जो पेपर है उसका एनालिस करें हम, टोटल मार्क है एनालिस करें ओल्ड पेपर से, जो सेक्शन ए है वहाँ से जो ओल्ड पेपर हैं उनमें से 12 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 2017 में पूछे गए। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में केवल 8 नंबर का जो पोर्शन है वो ओल्ड पेपर से आया। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 32 में से 32 नंबर का आया, और टोटल बात करें तो टोटल 52 आउट ऑफ 80 में से 52 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो ओल्ड पेपर से आया। तो जो 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें से जो 52 नंबर है वो ओल्ड पेपर का था, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप classesfuturefirst@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि पुराने हैं तो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।